जब कोरोना आउटब्रेक हुआ तो राज्य में एक भी ऑक्सीजन बेड यहाँ पे राज्य में उपलब्ध नहीं था, मगर अभी सर आपके लीडरशिप में आपके गाइडेंस के कारण से हमारा यहाँ पे कुल मिला के 1000 ऑक्सीजन बेड्स अभी रेडी है। हमारा जो ऑक्सीजन बेड का ऑक्यूपेंसी है वो करीबन 8% है, 8% ओनली ऑक्सीजन बेड्स का ऑक्यूपेंसी। तो सर अभी वैक्सीनेशन ड्राइव का भी हम लोगों का यहाँ पे काफी अच्छा ड्राइव यहाँ पे चल रहा है, जितने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो लोग बहुत मेहनत करके दूर दराज गाँव में जाके वैक्सीनेट करके वो लोग ये आते हैं। तो मेरा वैक्सीनेशन क्षेत्र में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा कैपेसिटी पर डे 15,000 का कैपेसिटी हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली अभी हम लोग केवल 10,000 वैक्सीनेट ही कर पा रहा है। तो मैं अनुरोध करेंगे माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको कि हमारा अरुणाचल का वैक्सीनेशन कोटा को और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप सब लोग ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो वेस्टेज है वो पूरा नील है। हम लोग एक्स्ट्रा डोसेस को भी एक्स्ट्रा करके हम लोग वैक्सीनेट कर रहा है। तो नंबर वन हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वैक्सीनेशन कोटा को थोड़ा और भी एडिशनल यहाँ पे दिया जाए। और ये कहते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 का अनाउंसमेंट किया है।